हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, हाउ आर यू गाइस डूइंग? होप यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल। सो अगेन कम टू ए न्यू इनिशिएटिव ऑफ आवर चैनल। सो इन दिस चैनल वी आर आल्सो गोइंग टू डील विद द मैथमेटिक्स और यू कैन से अरिथमेटिक पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स ऑन मैथमेटिक्स, देन इट्स द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू, राइट? सो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए परसेंटेज में हम बेसिक नहीं समझेंगे। बेसिक आपको पहले पता होना चाहिए, ठीक है? बेसिक थोड़ा पता होना चाहिए, फिर बेसिक आपको अगर पता है तो हम 2000 MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो आप अगर आपको बेसिक भी नहीं भी पता है तो ये आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप जान सकते हैं, ठीक है? लेकिन आई रिकमेंड यू दैट यू शुड नो द बेसिक फर्स्ट, देन कम टू दिस वीडियो सो एंड प्रैक्टिस 200 MCQs here with me. So, इस पार्ट वन में हम 20 MCQ डिस्कस करेंगे, फिर अलग से पार्ट में ऐसे 20 20 20 करके हम पूरे सीरीज में 200 MCQ को खत्म करेंगे, जो कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम, लाइक यू कैन से SSC, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवे, OEEC, UPSC, एनी टाइप ऑफ एग्जाम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो इट्स ए प्रैक्टिस सेशन, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जिससे कि आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग हो और जिससे कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथमेटिक्स से बेसिकली अरिथमेटिक का परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही हम इसी वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चन पूरे बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो स्टे विथ अस टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, राइट? कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गया है? If 16 2 by 3% of a number is added with itself, then the result becomes 4986. Find the original number. अगर एक नंबर में, देखिए, अगर एक नंबर में उस नंबर का 16 2 by 3% एड किया जाए तो रिजल्ट में 2986 आता है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन में कन्वर्सन करना आना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँ 1%, हम 100% को कितना बोलेंगे? 1 बोलेंगे। 50% को कितना बोलेंगे? 1/2 बोलेंगे, ठीक है? हमारा 33.33% को हम क्या बोलते हैं? 1/3 बोलते हैं। वैसे 1/4 को क्या बोलते हैं? 25%। 1/5 को क्या बोलते हैं? 20% बोलते हैं। ये आपको आना चाहिए। उसी तरह पहले ये आपको आना चाहिए, उसी तरह हमारा 16 2 by 3% जो है ना, इसको 1/6 होता है, इसका वैल्यू निकल के इसको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/6 इसका आंसर आता है। पहले देखिए मैं इसको बेसिक मेथड से करूंगा, फिर हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, उसके बाद सभी मेथ को हम शॉर्टकट मेथड से करने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले क्या है, लेट समझ लेते हैं जो ओरिजिनल नंबर था। लेट ओरिजिनल नंबर क्या था? जो ओरिजिनल नंबर था वो सोच लो एक्स है। अभी इक्वेशन बनाते हैं, अभी एक्स में अगर एक्स का 16 2 by 3% ऐड कर दिया जाए, अगर तो एक्स में एक्स का माने एक्स ऑफ 16 2 by 3% ऐड कर दिया गया, ठीक है, सम कर दिया गया, तो आंसर क्या निकला? आंसर निकला 4986। तो पूछा है ओरिजिनल नंबर क्या था, यानी कि एक्स क्या था। यहाँ पर देखते हैं एक्स प्लस एक्स इंटू ऑफ का मतलब इंटू 16 2 by 3 को हमने बोला, परसेंटेज को हम 1/6 में लिख सकते हैं, इक्वल टू 4986, राइट? अभी इसको सॉल्व करो, आंसर आराम से आ जाएगा। एक्स प्लस एक्स बाई सिक्स इक्वल टू 4986, राइट? देन ये आ जाएगा हमारा LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 6x plus x divided by 6 equal to 4986. Then इधर आते हैं 7x divided by 6 equal to 4986, ठीक है? अभी आ जाएगा हमारा 7x, 7x equal to कितना निकलेगा? 4986 into 6 हो जाएगा। फिर x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा हमारा 4986 into 6 divided by 7. तो 7 में अगर ये काटने की हम कोशिश करेंगे, अरे सॉरी, ये हमारा 5 होगा, ठीक है, ये 5 होगा, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको 5 लिखते हैं, 5 5, ठीक है, ये 5 होगा, ये 5 होगा। तो देखिए 5 से कट जाएगा, 7 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर इधर
56 है, दैट मीन्स 8 आ जाएगा। सो 7 0 8 × 6 ये क्या हो जाएगा 48, ये होगा 42। सो राइट आंसर 4 2 4 8 इज आवर राइट आंसर बी। सो बी इज आवर राइट आंसर। तो ये रहा हमारा नॉर्मल मेथड और यू कैन से बेसिक मेथड, बेसिक मेथड। एंड आप अगर इस मेथड से करने की कोशिश करोगे एग्जाम में तो एग्जाम का टाइम निकल जा गया होगा लेकिन आप निकले नहीं होगे एग्जाम के हॉल से, ठीक है। सो बेसिक मेथड आपको पता होना चाहिए लेकिन ये मेथड यूज नहीं करना है, ये मेथड यूज नहीं करना है, शॉर्टकट मेथड यूज करोगे तभी एग्जाम क्लियर कर पाओगे। ये सभी एग्जाम में होता है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं हमारा शॉर्टकट मेथड की तरफ। देखिए पहले ये समझने की कोशिश करें मैं क्या बोल रहा हूँ। 16 2/3% को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। इसको फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब जो बाय बाय में होता है ना उसको फ्रैक्शन बोला जाता है। इसको फ्रैक्शन में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/6 हो जाएगा। तो ये जो निकला यहाँ पर ऊपर भाग और नीचे जो दिख रहे हैं ना, इसको न्यूमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है, इसको न्यूमिनेटर बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो 6 है ना इसको ओरिजिनल नंबर बोलते हैं, इसको ओरिजिनल नंबर बोला जाता है। और ये जो 1 है ना, 1 जो न्यूमिनेटर हमें मिला ये बढ़ गया, ये जितना बढ़ा जितना इंक्रीज हुआ, ठीक है याद रखो जितना इंक्रीज। तो इधर इंक्रीज हुआ दिया गया तो इतना ही बढ़ा, 6 में 1 बढ़ा। अगर 6 में 1 बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है, तो क्वेश्चन में दिया गया है आपको 7 दिया गया है और पूछा गया है 6 6, तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 6 होगा ओरिजिनल नंबर। तो इसको एग्जैक्टली इसको 7 नहीं इधर दिया गया, इसको क्वेश्चन में क्या दिया गया, 7 को हमारा 4 9 8 6 दिया गया है। तो हमें 6 का वैल्यू निकलना है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू होगा 5 6 है, 4 9 5 6 डिवाइडेड बाई 7, ये होगा हमारा 7 0 8। अभी ओरिजिनल नंबर क्या था, 6 था ना, ओरिजिनल नंबर 6 था। तो 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 0 8 × 6, ये हो जाएगा 42 48। सो दिस इज द राइट आंसर एंड दिस इज द इजी वे, दिस इज द शॉर्टकट वे टू डू इट। सो ये रहा, पहले आपको समझ जाना चाहिए, 5 मैथ एटलीस्ट कर लीजिए, ये मेथड आपको मैं गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा जल्दी से। अगर ये आपको नहीं पता है तो, पता है तो आराम से कान खोल के आँख खोल के एकदम सॉल्व करिए। देखिए ये करने की कैसे कोशिश, कैसे आप करोगे, पहले मैं बता रहा हूँ, पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो। वीडियो जो है ना पॉज बटन है ना, यूट्यूब देता है पॉज बटन, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल मत करना, मतलब सही तरीके से इस्तेमाल करो, इसको इस्तेमाल करो, पॉज करो, फिर आंसर को निकालने की कोशिश करो। निकालने के बाद हम कर रहे हैं देखो ठीक हुआ या फिर नहीं। अगर मेरे साथ देखोगे सिर्फ आंखों आंखों में तो एग्जाम भी तुम्हें आंखों आंखों में देख के चला जाएगा, ठीक है। सो आंखों आंखों में देखने से ज्यादा अच्छा होगा आप कॉपी कॉपी में उसको देखो, ठीक है, कॉपी में प्रैक्टिस करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो ये दिया गया है, इफ 6 2/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 5 6 7 0, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। यानी कि ये एक नंबर है, अगर उसमें उस नंबर का 6 2/3% घटा दिया जाए तो आंसर हमारा 5 6 7 0 होगा। तो इधर पहले फ्रैक्शन जो होता है ना, ये फ्रैक्शन, ये जो परसेंटेज है ना इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 15 होगा, यानी कि ये ओरिजिनल नंबर घटाया गया है ना, सब्ट्रैक्टेड किया गया है, कितना इतना परसेंट, तो ये जो परसेंट है ना ऊपर ही, ये तो एक हमारा घटा दिया गया है। तो ओरिजिनल नंबर 15 था, उधर एक घटा दिया गया, कितना मिला 14 मिला। तो 14 का वैल्यू इधर क्या, कितना दिया गया है 5 6 7 0 दिया गया है। तो अभी निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर जो कि 15 का वैल्यू कितना होगा अभी निकालना है। तो एक का वैल्यू क्या होगा, एक का वैल्यू होगा 5 6 7 0 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है। 14 को अगर कट कर देंगे 4, ये हो जाएगा हमारा आई थिंक ये 5 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, सॉरी 4 4 0 5 हो जाएगा, 4 0 5 हो जाएगा। तो फिर 15 जो ओरिजिनल वैल्यू है, 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा 105 × 15, ये 75, ये 60। सो राइट आंसर क्या हो गया हमारा 6 0 7 5 इज द राइट आंसर। तो ऐसे ही आपको शॉर्टकट मेथड में आगे बढ़ना है, ठीक है। पहले फिर 3 नंबर देखते हैं,
इफ 11 1/9% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम 900 फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो देखिए ये जो परसेंटेज है ना इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/9 लर्न कर लेना, मैं वीडियो में लास्ट में दे दूंगा, पीडीएफ करके लर्न कर लेना ठीक है। डिस्क्रिप्शन में चले जाना, उधर में एक पीडीएफ दे दूंगा, ये जो परसेंटेज को कैसे रेशियो में कितना कितना होता है ये आप याद रख लेना ठीक है। कैलकुलेशन करोगे तो चला जाएगा एकदम। तो 1/9 हुआ, तो 1/9 में ये हुआ ओरिजिनल वैल्यू, ये हुआ क्या एडेड किया गया है, तो ये हुआ एडेड वैल्यू। तो अगर हम 9 में 1 को जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू निकल के क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 का वैल्यू सेंटेंस में कितना दिया गया है, 900 दिया गया है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 का वैल्यू होगा 900/10 जो कि लॉ 90 होता है। अभी मांगा है ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर तो 9 है, 9 था ना, ये बेस जो था ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर 9 था। तो 90 × 9 इज इक्वल टू 810। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज योर राइट आंसर ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये भी पोज करके आप करने की कोशिश करो, फिर हमारे पास आओ ठीक है। देखते हैं फिर, इफ 64 इज एडेड इन ए नंबर देन द नंबर बिकम्स 15717% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। देखिए ये कैसे कर रहा हूं मैं, पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 157 1/7 माय ला, ये तो बहुत खतरनाक है, इसको कैसे मतलब खत्म करेंगे। हाँ खत्म करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100% प्लस 57 1/7% ठीक है। अभी हमको इसको फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 57 1/7 मतलब कैसे करें, कैसे करें, आपको ये 7 को दिखना है ठीक है, आपको ये 7 को दिखना है। और आपको मतलब याद करना है कि किसको किस परसेंटेज में ये 7 होता है ठीक है, किस फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 7 निकल के आता है, कौन आता है कोई बता सकता है। देखिए 4 7 हमारा 1/7 कितना होता है, 1/7 होता है हमारा 14 1/7, ये हो जाता है। 1/7 को कितना बोला जाता है, 14 1/7। अगर इसमें अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं ठीक है, इसमें अगर हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा, सॉरी गाइस ये 14 2/7 होगा। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 जो 56 56 और इधर 4 × 8 तो 8 ये डिवाइडेड बाय 7 है, 1 चला जाएगा, 57 1/7 आ जाएगा, आ गया। तो यानी कि इसमें 4 मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया, तो यानी कि इसमें भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/7। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आया 4/7। 100 का कितना होगा फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू एकदम 1 होता है इसका, तो ये क्या हो जाएगा 11/7 हो जाएगा ठीक है। ये हमें निकल के आया, हमने निकाला क्या 11/7। तो 11/7 तो 7 है हमारा ओरिजिनल नंबर। अभी हम इधर कुछ ऐड कर दिए और ऐड करके इसको कितना परसेंट बना दिए, एकदम 157 1/7% बना दिए। तो ये रहा हमारा 157 1/7% ये हो गया, ये इंक्रीज होके हो गया। तो कितना ऐड किए, 7 में कितना ऐड करेंगे तभी 11 होगा, ऑब्वियसली 4 ऐड करेंगे तभी तो 11 होगा। तो कितना 4 का वैल्यू इधर क्या दिया गया, 64, यानी कि 64 ऐड किए थे तो 4 का वैल्यू दिया गया 64। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, 64 / 4, सो ये क्या निकलेगा 16 निकलेगा। तो अभी अभी फाइंड द नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर मांगा है, ओरिजिनल नंबर तो हमारा 7 है, तो 7 का वैल्यू क्या होगा, 7 का वैल्यू होगा 16 × 7 ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 112 आ जाएगा ठीक है। सो राइट आंसर हमारा ए हो गया। सो इसी तरह आपको इस टाइप का मैथ को करना है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। ओके चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इफ वैसा ही करने की कोशिश करो पॉज करके, इफ 9:30 इज एडेड इन ए नंबर देन द नंबर बिकम्स 4444/9%। क्या दिया गया है, मतलब क्या है ये 4444/9%, भाई इतना कोई देता है, इसको कैसे निकालते। देखो इसको ले सकते हैं 400% प्लस 444/9% इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए, देखिए नो कहाँ पर है, नो आपको ढूंढना है, नो आपको क्या करना है ढूंढना है, मतलब किसका किसका परसेंटेज में नो होता है, किसका फ्रैक्शन का परसेंटेज में नो होता है। देखिए एक होता है हमारा 1/11, 1/11 क्या होता है, 1/11 सॉरी 1/9, 1/9 का कितना होता है 11, 1/9%। 1/9 फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब निकल के आ जाएगा 11, 1/9%। एक काम करिए, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए क्या निकलता है 44, 4/9% निकल जाता है ना, अभी तो ये मिल गया, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या निकलेगा 4/9 निकलेगा, ठीक है। सो 4/ कितना निकलेगा 9 निकलेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू हो गया 4/9 और 400% का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। सो ये हो गया हमारा, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको फिर 9 4 36 प्लस 4/9, ये हो गया हमारा 40/9, ठीक है। ये क्या हो गया 40/9 हो गया, तो 40/9 में ये हुआ ओरिजिनल नंबर, ये हुआ जो बढ़ के जो 4444/9% बढ़ के ये हो गया ना, तो 40 हो गया हमारा बढ़ा हुआ नंबर। तो ओरिजिनल नंबर ये बढ़ा हुआ नंबर तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, ऑब्वियसली हमारा 31 इंक्रीज हुआ। तो 31 का वैल्यू इधर सेंटेंस में कितना दिया गया है 9:30 दिया गया है, तो एक का वैल्यू कितना होगा 9:30/31 होगा, इसको काट देंगे एकदम एच से तो इसका निकल के 30 आ जाएगा। अभी ओरिजिनल नंबर मांगा है ना, तो 9 का वैल्यू क्या होगा, 9 हमारा ओरिजिनल नंबर है, तो 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 × 9, सो द राइट आंसर इज 270। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। सो 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 270। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इफ 16 इज एडेड इन ए नंबर देन द रिजल्ट बिकम्स 1162/3% ऑफ इटसेल्फ, सो फाइंड द नंबर। ये आप पॉज करके करने की कोशिश करिए। देखिए वैसा मामला इधर ही समझाता है, ये जब करना सीख गया जो उसका हो गया, इसको परसेंटेज से कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। देखो इसको हम देख सकते हैं 16 2/3%, अरे ये तो एक है, 100% को एक बोल सकते हैं, 16 2/3%, इसको जाना कहीं कहीं पर देखा सा लग रहा है, क्या होगा ये 1/6 होगा, इसको 7/6 भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये रहा क्या, ये रहा हमारा ओरिजिनल नंबर, ये रहा हमारा बढ़ के जितना हो गया, तो कितना बढ़ा एक बढ़ा, एक का वैल्यू कितना दिया गया है 16 दिया गया है, तो फाइंड द नंबर, नंबर को ढूंढना है, तभी एक का वैल्यू 16 दिया है, 6 का वैल्यू कितना होगा 16 × 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 16 × 6 हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, 16 × 6 इज द 96, सो राइट आंसर इज 96B। आई थिंक नाउ इट्स क्लियर टू यू। अभी वैसे ही 7 नंबर आप करने की कोशिश करो एकदम पूरा तेज तरीके से, ठीक है, कोशिश करो पोज करके, वीडियो को पोज करके कोशिश करो करने के लिए। देखिए मैं अब करता हूँ उसी तरह, अगर 21 को ऐड किया जाएगा एक नंबर पे, उसी नंबर का 20 अगर एक नंबर पे 21 को ऐड कर दिया जाए, तो ये 137 1/2% हो जाता है, परसेंट ऑफ दैट नंबर हो जाता है। तो फाइंड द नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, वैसे ही 137 1/2% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं कोशिश करने की। तो ये रहा 100 प्लस ये रहा 37 1/2, तो ये आपको ढूंढना है 2 कहाँ पर था, 2 कहाँ पर था। देखिए हमारा एक था 1/8 को, 1/8 कितना होता था 12 1/2% होता था ना, 12 1/2% होता था। अच्छा इसको अगर हम 3 गुण कर देंगे क्या हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 3 3/2 3/2, तो ये प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1/2 हो जाएगा, तो ये 37 1/2 हो जाएगा। यानी कि अगर इसको 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा 3/8, सो ये हो गया हमारा 3/8। देखिए ये है
परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की इजी तरीका, ये पहले आपको सीखना पड़ेगा, वरना आप इसको नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही शॉर्टकट, अगर आप कैलकुलेशन करके कोशिश करोगे, इसको इधर से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, फिर डिवाइडेड बाई 100 करोगे, वैसे में जैसे आंखों आंखों में एग्जाम एग्जाम आपके आंखों आंखों से निकल जाएगा। ठीक है, तो हम एग्जाम को आंखों आंखों से निकाले ये अच्छा है, ना कि एग्जाम हमको आंखों आंखों से देख के निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 1 + 3/8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/8। कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए आपका, तभी हो सकता है सब कुछ। ये जो मिला ये था ओरिजिनल नंबर, तो ये बढ़ के हो गया है। तो कितना बढ़ा है भाई, 4 बढ़ा है। तो 4 का वैल्यू कितना दिया गया, सॉरी 3 बढ़ा है, 3 3 इंक्रीज हुआ है, तो 3 इंक्रीज हुआ है, तो 3 का वैल्यू 21 दिया गया। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21/3 = 7। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 8 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 8 हो जाएगा। 7 × 8 कितना है, 56 इज योर राइट आंसर। सो ए इज आवर राइट आंसर। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से है, इफ 22 इज एडेड इन ए नंबर देन द रिजल्ट बिकम्स 166 2/3% ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। वैसे ही हमको 166 2/3% को निकालना है। कोशिश करिए, आप भी कोशिश करिए। देखिए मैं करता हूँ, इसको 100% + 66 2/3% लिख सकते। 2/3 कहीं पर याद आ रहा है, 2/3 कहाँ पर था, 2/3 कहाँ पर था। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, 2/3 कहाँ पर था, बताइए कहाँ पर था 2/3। अगर 2/3 को हम देखेंगे तो ये हमारा था, सॉरी अगर हम 1/15 करते हैं, 1/15 करते हैं, तो ये 6 2/3 निकलता है। अच्छा हाँ, अगर 1/6 को भी हम करते हैं तो ये 16 2/3 निकलता है। हाँ भाई ये तो सही है, मतलब अच्छा है। नहीं अच्छा, ठीक है अभी कोशिश करते हैं। देखिए पहले इसको करते हैं, इसको लेने की कोशिश, इसको 4 गुना करते हैं। देखिए 16 4 = 56, सॉरी 16 4 = 64, राइट। 60 ये हो जाएगा हमारा, यस 16 4 = 64। देखिए ये 64 हो गया, प्लस ये हमारा 4 × 2 यानी कि 8/3। 8/3 का मतलब ये 64 + 2 + ये आ जाएगा 2। ठीक है, 2/3 + 2/3 ऐसा आ जाएगा, तो ये होगा 66 2/3। हाँ निकल गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 4 तो मिल जाता है, तो 4/6 करते हैं, इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो 1 + 4/6 इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 10/6। यानी कि ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, ये हुआ हमारा बढ़ के नंबर, कितना बड़ा है 4। तो 4 का वैल्यू 20 दिया गया है, 1 का वैल्यू क्या होगा, 20/4 होगा, जिसका मतलब 5 है। ओरिजिनल नंबर क्या था, 6 था, तो 6 × 5 कितना होगा, ये 30 होगा। सो हमारा राइट आंसर क्या है, 30। 30 इज आवर राइट आंसर। होप यू गाइस आर डूइंग इट इन ए ग्रेट वे। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर। 220 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400, मतलब ये 220 ये कितना परसेंट लेस है 400 से। पहले आप बताइए 400 से 220 कितना कितना कम है, मतलब माइनस करोगे तभी तो निकलेगा। 180 कम है, ये मुंह में माइनस होना चाहिए, कॉपी में मत करना। तो हम परसेंटेज में निकालना चाहते हैं, तो किससे बेस हम किसे रखेंगे, तो इतना कम है किससे कम है, 400 से कम है, तो 400 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा इधर 100। ये कट गया हमारा, ये 4 में कटने की कोशिश करते हैं, 4 4 16, देन हो जाएगा हमारा 25। सो 45% निकल के आ गया, बी इज आवर राइट आंसर। खत्म कहानी एकदम। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 85 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 5 10, इधर इधर तो कितना कम ज्यादा ये नहीं पूछा, मतलब 85 कितना है। सो 85 / 1 510 × 100 एकदम कर लो।
जीरो जीरो कट गया। अच्छा यहाँ पर दिक्कत आएगा, 17 का आपको टेबल याद करना हो, 17 73, 17 थ्री जा 51, 17 फाइव जा 85, तभी आएगा, वरना आप घूमते रहोगे एकदम। ठीक है, तो ये 50/3 हो गया, क्या हो गया, 50/3 हो गया। बाई थ्री करते हैं, क्या क्या होता है इसको 50/3 करने पर, आई थिंक यही होगा। ठीक है, फिर भी कर लेते हैं आपके लिए। वन और ये हो जाएगा हमारा 3, ये 20 हो गया, 6 ये हो गया 18, देन 2 निकला 2/3। ठीक है, सो एकदम एक ए हमारा राइट आंसर होगा, 10 नंबर गया। अभी चलते हैं 11 नंबर पे, 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। वैसे ही 126 600 का कितना परसेंट है, 100 100 कट गया, मतलब कट गया और कितना निकला 21, ये 6 से कट जाएगा 21 हो जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पोज करके करने की कोशिश करो तभी होगा। 1728 इज व्हाट परसेंट लेस देन 1728 इज व्हाट परसेंट लेस देन 3456, ये कितना लेस है। अरे देखिए ये तो मतलब दुगना लग रहा है, तो कितना लेस है, 1728 लेस है। ठीक है, किससे, 3456 से, इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 निकल जाएगा, सो ये 50 हो गया। ठीक है, सो 50% हमारा राइट आंसर, सो सी इज आवर राइट आंसर। आई थिंक यू गेट माई पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका राइट आंसर तो 50% हुआ। देखिए 990 ऑफ 9/1% प्लस 25% ऑफ 500 इक्वल टू कितना होगा। देखिए 990 इंटू ये जो 9 1/11% है ना, इसको 1/11 बोला था। कैसे निकालते हैं मैं थोड़ा बोल देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसको परसेंटेज को देखिए, 9 1/11% है ना, इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 10 कर 100 करना पड़ता है। तो ये 9 1/11 डिवाइडेड बाय 100, तभी ये हो जाता है हमारा फ्रैक्शन। अभी ये क्या होगा, 99, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको अगर थोड़ा सा अच्छे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 99 + 1 यानी कि 100 / 11 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसका वैल्यू ये 11 ये रहा और ये नीचे, सॉरी ये 100 इधर, 100 इधर, 11 नीचे आ गया, कट गया 1/11, ये ऐसे निकलता है। तो इसको आप करोगे तो एग्जाम आपको देख के चला जाएगा, ये हमने बोला था। सो आपको ये एज इट इज याद रखना है। सो 1/11 प्लस 25% कितना होता है, 1/4 होता है, 1/4 ये हो गया 500, ये कट के कितना हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 9। इसको अगर हम काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको अगर हम काटने की कोशिश करेंगे तो 125 निकला। सो 125 कुछ सा गड़बड़ नहीं, ठीक है। सो 125 प्लस 90 कितना होगा, देखिए इसको कैसे मैं करता हूँ, देखो तो मुंह में कैसे कर सकते हैं, 90 प्लस नहीं करना, आप 125 को एकदम 100 से ऐड कर दीजिए। 100 से ऐड करने पर कितना होता है, 225 होता है, तो इधर से लोबे से 90 से ऐड कर रहे हो ना, तो 10 माइनस कर दो, तो इससे 215 हो जाएगा, इजी वे। तो हमेशा ट्रिक निकालिए, अपना अपना ट्रिक निकले तभी आप स्पीड में कर पाओगे। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14। 156 इज व्हाट परसेंट लेस देन 200, मतलब 156 जो है ये 200 से कितना परसेंट लेस है, पहले निकालते हैं कितना लेस है भाई, तो कितना लेस कितना है बोल तो मेरे को, ये लेस है, ये कितना लेस है, इधर मुंह में कैलकुलेशन करने की अगर हम कोशिश करेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये 44 निकलेगा। तो 44 डिवाइडेड बाई 200 बेस है ये रहेगा 100, कट गया 2 में, ये 22 हो गया, तो 22% लेस है हमारा राइट आंसर, क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 इज व्हाट परसेंट लेस देन 400, यानी कि 150 400 से कितना परसेंट लेस है, ये था 150, ये रहा 400, कितना लेस है, 250 लेस है, कितने से, 400 से, इनटू 100 कर देते हैं, ये काट देते हैं, ये फिर काटेंगे तो क्या निकलेगा, आई थिंक 62 1/2% ही निकलेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा राइट आंसर ए। कैसे निकाला, देखो 4 से इसको पहले 1 से काटने पर 250 का 125 होता है, फिर से 2 से काटने पर 125 यानी कि 60 60 के आसपास दिख रहा है, ऐसे मैंने गेस मार दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ट्रिक से करना है, मतलब ज्यादा
होशियार मत बनो, अभी अभी एक ऑप्शन को देख के होशियार बनो, ठीक है? अच्छा चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 240 what% मोर देन 88, यानी कि ये जो 240 है ये 88 से कितना ज्यादा है? पहले निकालते हैं कितना ज्यादा है, 240 88 का डिफरेंस क्या है, कैसे मैं कर रहा हूँ देखिए, 240 - 80 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 160, 160 से 8 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 152, एकदम मुंह में निकल गया, ठीक है? तो ये इससे इतना बड़ा है, सो किससे बड़ा है, 88 से बड़ा है, तो बेस आ जाएगा 88 * 100, ठीक है? अगर हम इसको काटने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक ये 4 में कट जाएगा, ठीक है, या फिर 8 में कोशिश करेंगे काटने, हाँ थोड़ा बहादुरी कर देते हैं, 8 से कर लेते हैं, 8 में करेंगे 11 हो जाएगा, इधर 8 में काटने की कोशिश करेंगे तो 8 * 1 = 8 हो जाएगा, 72, हाँ आ गया, 9 हो गया, सो 1900 / 11, अब तो ये आपको खुद करना है, 11 * 1 = 11, ये आ जाएगा 8, 7 आ जाएगा, ठीक है, 7, ये आ जाएगा हमारा 77, फिर ये आ गया 30, तो इधर 2 गिराना पड़ेगा, ठीक है, तो इधर निकल के आ गया, ये देख सकते हो, मतलब और करने की कोशिश करोगे तो कर सकते हो, तुम्हारा मर्जी, ये 22, ये 8 आ गया, तो 8 / 11, ठीक है, तो 172 8 / 11% इज योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1005 to 56 ऑफ 12 1/2%, देखिए आप अगर इसको ऐसे लिखोगे फिर इसको ऐसे बनाओगे, इसको हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की, मतलब 12 12 2 = 24 + 1, देन दिस इज योर 25/2, देन डिवाइडेड बाय 100, देन डिवाइडेड बाय, ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो 1/8, अगर मतलब मन नहीं माने, अगर याद नहीं है तो क्या कर सकते हो, ऐसे ही करना पड़ेगा ना, हाँ करो देख के चला जाएगा, ठीक है, जस्ट वेट। ये सही है, तो अगर हम ये करने की कोशिश करेंगे, जस्ट वेट फॉर ए व्हाइल, क्या हो गया? अच्छा फिर देखिए इसको कैसे करेंगे, 25 / 100 * 2, फिर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/8, ऐसे करोगे तो मतलब इसको याद रखना भी आपको जरूरी होता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सो 1005 to 56 इसका 1/8%, ये निकालो, पहले 8 कटेगा, 8 * 1 = 8 = 20 आ गया, 8 * 2 = 16, 16 के बाद कितना आएगा, 4 आएगा, 45 आएगा, 45 आया तो 8 * 5 = 40, अगेन 5 आ गया, 55 आ गया, 55 आएगा, 1 * 2 = 5, 55, सो 8 * 6 = 48, देन 72 आ गया, 7, देन आ गया हमारा, सॉरी 5, अच्छा फिर से करते हैं देखो, 1005 to 56, ठीक है, इसका 8 से भाग करेंगे तो 8 * 1 = 8, ये आ गया 20, 8 * 2 = 16, ये आ गया कितना, इधर से 4 इधर से 5, सो देन आएगा 8 * 5 = 40, देन इधर से निकला 5 उधर से निकला 5, देन 8 * 6 = आएगा, ठीक है, 8 * 6 = 48, देखो आंसर आ गया, फिर भी मैं ये पूरा का पूरा कोशिश करता हूँ करने की, फिर ये कितना आएगा देखिए, 5, ये रहा हमारा 5, 6, 7 आ जाएगा, 5 6 7 आ जाएगा, 72, सो 8 से ये 9 होना चाहिए, 1 * 2 = 5 = 6, 1 * 2 = 5 = 6, सो आंसर ये आना, 1 * 2 = 5 = 6, आंसर ये आना चाहिए। अच्छा, सॉरी गाइस, इधर 2 होगा, ठीक है, 52 होगा, तो इधर 48 हो गया, इधर 42 हो जाएगा,
ये 5 निकलेगा, 5 निकलेगा, 40 होगा, फिर ये 2 आ गया, अभी ये आएगा 25, ठीक है, 25 आएगा, तो ये अभी 40 आएगा, अच्छा ये 45 आएगा, ठीक है, 45, ये रहा 56, 45, 5, देन 56, 7, सो 1 2 5 6 5 7, 1 2 5 6 5 7, हाँ ये थोड़ा मतलब ट्रेन है ना, ट्रेन का डब्बों को गिनने में थोड़ा परेशानी, गलती होता है, ह्यूमन एरर होता है, तो हो गया, सॉरी इसके लिए गाइस। तो इसका राइट आंसर ए होगा। देखते हैं 18 नंबर तक चलते हैं। 18 नंबर में क्या क्या कहा गया है। 840 इज 40% मोर देन 260, यानी कि ये जो 840 है ये 260 से कितना ज्यादा है। पहले इनको माइनस करते हैं, तो पहले देखिए 240 को माइनस कीजिए 600 होगा, 600 से 200 माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे तो 580 होगा, मुंह में ही हो गया, कुछ कैलकुलेशन करना नहीं पड़ा। डिवाइडेड बाई ये बेस किससे ज्यादा है, 260 से कितना ज्यादा है, ये 260 इंटू ये 100 आ जाएगा, इधर हम 0 0 कट देंगे, कट कर देंगे, अगर इसको कट करेंगे ये 13 आ जाएगा, इसको कट करेंगे 2 से, अगर ये कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करो 2900 डिवाइडेड बाई 13, सो 13 2 26, फिर आ जाएगा 30, फिर भी पड़ेगा 13 2 26, इधर आ जाएगा 40 आ गया, ठीक है 40 आ गया, इधर 13 3 जा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, 39, फिर 1/13, 2 2 3 1/13, सो बी इज आवर राइट आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 5 4 0 0 ऑफ 5 5/9% इक्वल टू डेस, ठीक है ये पूछा गया है। सो इधर आपको क्या बताना है, 5 5/9% ये कितना होता है, ये आप बताने की पहले कोशिश कीजिए कि हम 5 5/9 को क्या बताएंगे, जल्दी से बताया बताओ पहले, फिर मैं ये आगे बढ़ूंगा। सो क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1/18, राइट 1/18 होता है, सो 5 4 0 0 इंटू 1/18, 18 3 54, सो 300 इज आवर राइट आंसर, सो डी इज योर राइट आंसर। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 1/8% ऑफ 4 8 0 0 प्लस 5 15 डिवाइडेड बाई 17% ऑफ 5 1 0 0 इक्वल टू डेस, आप पहले पोज करके करने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। अच्छा कर लिया, ठीक है, देखिए 4 1/8% को क्या बोलते हैं, इसको 1/24 अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/24 होगा, 5 15 17% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/17 हो जाएगा, ठीक है अभी निकालते हैं ये, सो 1/24 इंटू 4 8 0 0 प्लस 1/17 इंटू 5 1 0 0, ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा हमारा 200, ये कितना निकलेगा 300, सो 200 + 300 इज इक्वल टू 500, सो आवर राइट आंसर इज 500। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चन, एंड हम 2200 क्वेश्चन करने में अभी बहुत सारा सीरीज में लेके आऊंगा परसेंटेज के चैप्टर को लेके, ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद आप हमें बोलना कमेंट सेक्शन में कौन सा सीरीज चाहिए आपको, फिर हम वो वीडियो अपलोड करेंगे। आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर यू, अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना, इतना मेहनत करके हमने ये बना रहे हैं, तो आप ज़रूर थोड़ा लाइक कर देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।